लेट्स गो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, लेट्स गो। और आज फिर एक बार नए मोटो व्लॉग के साथ फाइनली वी आर गोइंग टू पुणे। एज आई प्रॉमिस्ड, मैंने प्रॉमिस किया था मेरे सभी भाइयों को और दोस्तों को कि हम लोग जा रहे हैं आज पुणे। ऐसा तो प्लान कोई नहीं था, लेकिन मेरी फर्स्ट राइड ऑफिशियली होगी, लॉन्ग राइड पुणे। मुझे ये नहीं पता था कि वो सोलो होगी, बट वॉट एवर इट इज़, हम जा रहे हैं। इस पुणे निकला हूँ और आई गेस 2.5-3 घंटे लग जाएंगे पुणे जाने के लिए, क्योंकि अपना जो स्पीड है वो आज मेंटेन करना है हमें, एक 60, 70, 80, बस इसके आगे जाना नहीं है, क्योंकि आई गेस इसके आगे जाना इज़ नॉट गुड। पन एज ऑलवेज स्टार्ट हो चुका है हमारा नया मोटो व्लॉग। बिना ये कहे कैसे चालू हो सकता है, गणपतिअप्पा मोरिया। और हम निकल पड़े हैं बप्पा का दर्शन लेने पीठाउन के लिए। तो यस, सभी का स्वागत है नए व्लॉग में, गणपतिअप्पा मोरिया। दूसरी बड़ी बात ये गाइस कि आज ना बारिश है ना कुछ है, मतलब बारिश होके चली गई, आज पापा भी साथ है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। आज अच्छा सीन है, आज सुबह सुबह पेट्रोल भरवा रहा बाइक में, फुल करवा देंगे पेट्रोल, रुको पेट्रोल भरवा के मिलता हूँ। भैया के पास ये नहीं है, उनका शायद पावर पेट्रोल का मोटर ख़राब है, और मैं मेरे बाइक में पावर पेट्रोल ही भरवाऊंगा, क्योंकि जा रहा हूँ लॉन्ग राइड के लिए। किसी एक्सपीरियंस पर्सन ने कहा है कि पावर पेट्रोल भराया करो, हर बार जब भी लॉन्ग राइड पे निकलो तब पावर पेट्रोल ही भराया करो। इसके पीछे का लॉजिक मुझे नहीं, लॉजिक तो ऑब्वियसली लॉजिक है, पावर पेट्रोल इज़ गुड फॉर योर इंजन हेल्थ। श्रीमान भाई अपने भराते हैं गाइस कावासाकी ZX10R में सादा पेट्रोल, हम नहीं भरवाएंगे सादा पेट्रोल गाइस, लॉन्ग राइड जा रहे, अपने को पावर पेट्रोल होना। गाइस भूख तो लगी है बहुत भयंकर, क्योंकि सुबह सुबह जा रहे, वो अपने गाड़ी के वॉच पे ध्यान मत देना, और उसको नहीं मालूम है, उसका बस चले तो रात के 12 बजे दिखाए, सुबह के बजे 7-8 समथिंग। वाह क्या नज़ारा है, क्या रास्ता है भाई, ऐसा रास्ता हो तो मोटो व्लॉगिंग करने में तकलीफ क्या है भाई। गाइस मेरे को अभी ना गाड़ी चलाते चलाते ऐसे मैंने सोचा, 4 किलोमीटर तक पीछे चला गया, कोई पेट्रोल पंप नहीं मिला, एक पेट्रोल पंप दिखा वहाँ पे ट्रक घुस रहे थे, मैं तो वहाँ पे घुसूंगा नहीं, जहाँ पे ट्रक पेट्रोल भरवाते गाइस कभी उधर घुसना नहीं, गलती से दिक्कत में फंस जाओगे। क्यों ना हमारा नाश्ता जो है वो सीधे अपने लोनावड़ा में जाके करें, टाइगर पॉइंट पे, क्या कहते हो। मुझे आया ऊत गाड़ी रेकने का मतलब रेकने का नहीं, मुझे जल्दी जल्दी पहुंचने का, समझ रहे हो। तो मैं सोच रहा हूँ कि नाश्ता मैं डायरेक्ट करूँ वहाँ पे लोनावड़ा में। भाई ये वो ऊत आया पता नहीं, वो खड़े रह के गाड़ी चला रहे हैं, मेरे को नहीं मालूम क्यों, शायद उनके कूलों में त्रास हो रहा है, पीछे कोई नहीं है, दोनों ही है, और वो दोनों भी ऐसे गाड़ी चला रहे खड़े रह के, जैसे उनको मतलब वो गाड़ियाँ भी अच्छी है, मतलब एक थी BMW समथिंग, कुछ मुझे नहीं पता कौन सी थी, बट दोनों भी खड़े हैं भाई गाड़ी पे और आड़ जोड़ गाड़ी भगा रहे। हम लोग पहुँच चुके हैं अभी आई गेस यहाँ खोपली, यस खोपली पहुँच चुके हैं। भाई अपने बहुत चौड़ में निकल पड़े, वो भी राइडर से, प्रॉपर राइडर से, आई होप उनका खड़े रहने के पीछे कुछ हेतु हो। आप ऐसे स्टंट्स घर पर ना करें, क्योंकि अगर आप ऐसे स्टंट्स करेंगे तो भोगेंगे। गाइस एक बैड न्यूज़ है और एक गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि हम खोपोली छोड़े नहीं है मतलब अभी तक, लेकिन हम घाट चढ़ने चालू कर दिए हैं। और बैड चीज़ ये है भाई, ये राइडर सही से आंधा धुंध घुमा रहे थे गाड़ी, हाँ। और बैड चीज़ ये है कि पेट्रोल पम्प हमें कद्दू भी नहीं मिला, ठीक है, पर मुझे उससे वो बैड चीज़ है भी नहीं, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस इतने से पेट्रोल में मैं पुणे पहुंच जाऊंगा, पुणे यहाँ से 80-90 किलोमीटर, और मेरे पास है अभी 4 से 5 लीटर पेट्रोल, और मेरा गाड़ी एवरेज देती है मुझे, अगर 30 का भी एवरेज दे दे, 30 तो देगी नहीं, ज़्यादा ही देगी,
बट अगर 30 का एवरेज भी दे दे मुझे तो मैं प्रॉफिट में ही हूँ। मैं इतने पेट्रोल में पुणे पहुँच सकता हूँ, लेकिन मुझे रिस्क नहीं लेना है, रिजर्व पे गाड़ी नहीं जानी चाहिए। बारिश में ना लीन करे गाइस, बिल्कुल भी नहीं, बुरी बात सर, बहुत बुरी बात। इतना ऐसा लीन वीन नहीं करना चाहिए बॉडी बारिश में। चलो घाट चढ़ता हूँ, आगे खाने के लिए रुकूंगा तब मिलता हूँ, या फिर आपको अगर घाट एंजॉय करना है तो मैं चालू रख सकता हूँ ये अपन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because. बस एडिटर जी, बस पिक्चर बनाएंगे क्या? लेट्स गो। और ये मंदिर है यहाँ पे, पहले पैर पड़ते हैं फिर घाट। गणपति अप्पा मोरिया। चलो ये देख रहे हो गाइस, हैं जी देख रहे हो। आप लोग में से बहुत लोग बोलोगे साले ये का है मैप, का है मैप, मैप की ज़रूरत नहीं होती। पुणे हम ऐसे ही चले जाते हैं भाई, इधर रिस्क है पर ठीक है, लेट्स गो। रिस्क नहीं, नहीं नहीं, ये तो वन वे चालू हो गया ना, सॉरी सॉरी, माफ़ करेगा इस, कोई रिस्क नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, ये वन वे है। और यहाँ पे बारिश हो चुकी है चालू, उसका भी दिक्कत है नहीं हमें, क्योंकि हमने पहना है रेनकोट, बहुत ही प्यारा रेनकोट, तो भीगने का तो कोई विषय ही नहीं है। बस मुझे डर लगता है गोप्रो का, वो भी वाटरप्रूफ है, उसका भी विषय नहीं है, लेकिन फिर भी कैसा है गैजेट है भाई, कब क्या हो जावे, कब क्या हो जावे नहीं मालूम। और ये देखो नज़ारा, ये देखो नज़ारा, आह इसे कहते हैं नज़ारा भाई, ये इसे कहते हैं नज़ारा। गाइस आई डोंट नो आपको कितना दिख रहा है, बट इस साइड कुछ भी नहीं दिख रहा है, पूरा धुका देखो, धुका इस साइड पूरा धुका है, कुछ नहीं दिख रहा है, फुल इंजॉयमेंट चल रही लड़कों की। मेरे हेलमेट में भी धुका आने लगा है, मैं हेलमेट ओपन कर दिया हूँ, बट इस साइड भाई ऐसे लग रहा है धुआं है, धुआं धुआं। मैं फ़ोन से कैप्चर कर सकता हूँ बट आई डोंट थिंक क्या है कि यहाँ रुकना सेफ है। व्हाट अ क्लाइमेट बेबी। तुमको एक चीज़ और बता दूँ गाइस, ये रिकॉर्डेड चीज़ें देखने से या फिर कोई किसी कोई चीज़ें, मतलब ये रिकॉर्डिंग विकॉर्डिंग सब ठीक है, बट वहाँ पे मौजूद होना और अपनी आँखों से चीज़ें देखना इज समथिंग एल्स यार। ये देखो मैं आपको इस चीज़ के बारे में बोल रहा था, कुछ नहीं दिख रहा है, जहाँ पे खड़ा हुआ से 10 भी नहीं 5 मीटर के दूर का दिखता है, उसके बाद का कुछ भी नहीं दिख रहा है, वो लड़के भी प्रॉपर नहीं दिखते अभी मुझे आँखों से, तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहे, कैमरा से दिख रहा है। ज़बरदस्त हो रहा है भाई, ज़बरदस्त हो रहा है, ओम फो ले बेटे ओम फो हो गया भाई, ठीक है। गोप्रो में अगर दिखता है तो बेटर है, निकल रहा हूँ आगे क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ब्लैक कॉफ़ी है और मैंने चाहता मैं ब्लैक कॉफ़ी पी, मुझे भूख लगी। अपना उतार देख लो, अपन रेनकोट विनकोट खोल, अंदर मैंने जैकेट पहना है, उसके ऊपर मैंने रेनकोट पहना, ठीक है, सेफ्टी इज़ इम्पॉर्टेंट। ये अपना गोप्रो प्यारा प्यारा, और कोहरा ही कोहरा, बस कोहरा ही कोहरा, ज़बरदस्त। तो गाइस अभी अच्छी खबर यह है कि कोहरा थोड़ा सा भी धीमा हुआ था, नहीं नहीं अभी बढ़ गया, वापस बढ़ गया, थोड़ा सा कोहरा धीमा हुआ था, मुझे नहीं पता गोप्रो में कितना दिख रहा है कितना नहीं, मैंने मेरी कांच खोल के रखी है और ये चालू कर दिया मैंने, अपने दोनों भी अनमोल रत्न। ओ भाई कुछ नहीं दिख रहा यार, सच में कुछ नहीं दिख रहा, मैंने हेडलाइट भी चालू रखी है, मैंने सब कुछ चालू रखा है, आराम से ज़िंदगी है, मस्त लग रहा है यार। ये क्या राइड है यार, क्या राइड है यार, सुकून है इसमें, सुकून, लिटरल सुकून है, मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है गाइस, बहुत मज़ा आ रहा है। मैंने ब्लिंकर्स ऑन कर दिए मैंने, अभी नहीं दिख रहा है इतना, अभी दिख रहा है, चलो प्रॉपर है, ठीक है, कोई गल नहीं। चलो भाई साहब, ओ कहाँ से, हेलो, अच्छा पुलिस वाले का, अंकल जी ऐसा मत करिए प्लीज़,
फटती है। चलो मैं आपको ये मैं सोच रहा हूँ ये मैं पूरा व्लॉग में डाल दूँ, क्यों पता है ये अलग एक्सपीरियंस है भाई तुमको मुझे नहीं पता गोप्रो में दिख रहा है, रुको मैं थोड़ा ये स्क्रीन नहीं लेंस पहुँचता हूँ, रुको। आई होप कि गोप्रो में आपको ये सब बहुत ही प्यारा सा जो भी दिख रहा है ये सब कुछ दिखे, कितना प्यारा लग रहा है ना। वाह अब थोड़ा कोहरा कम हो गया, अब कोहरा कम हो गया ये व्लॉग में। चलो कोहरा गया गाइस, अभी मैं पेट्रोल तो हमें मिला नहीं है और फट रही है क्योंकि एक सिर्फ एक पॉइंट मतलब एक लाइन बची है पेट्रोल की। आई होप कहीं ना कहीं तो मिल जाए, यहाँ पे 70 किलोमीटर के रेंज में कहीं ना कहीं तो पेट्रोल मिल ही जाएगा गाइस। चलो यहाँ पे पावर पेट्रोल मिल रहा है गाइस, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से ये तो लोनावला में मिल गया हमें पावर पेट्रोल, बहुत खूबसूरत नज़ारा है भाई लोग, बहुत ज़बरदस्त दिख रहा है यार सच में क्या नज़ारा है यार, पूरा कोहरा और इतना मज़ा आ रहा है ना यार राइड करते हुए। मुझे नहीं पता था कि इतनी प्यारी राइड होने वाली है अपनी, इतना सुकून होने वाला है इस राइड में। और 100K के बाद ही हमारी पहली राइड है तो पापा ने 100K के बाद ही डायरेक्ट बुला लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। मज़ा आ रहा है, बहुत फ्रेश लग रहा है, बहुत अच्छी फीलिंग है ये और पावर है बहुत ज़्यादा, अभी बॉडी में बहुत ज़्यादा पावर है। दो बार यहाँ से हम लोग पुणे आ जा सकते हैं। वापस कोहरा चालू हो गया है, गाड़ी का पेट पूजा हो चुका है और वो जो गाड़ी का आप बहुत लोग बोल रहे थे कि सर्विसिंग वाला दिखा रहा है गाइस, वो इग्नोर करो। अभी जस्ट पिछले मंथ में भी नहीं 22 दिन हो गए गाड़ी को सर्विस किए हुए और फिर भी वो दिखा रहा है, पता नहीं क्यों वो जा ही नहीं रहा है। उसको जाने का कुछ टेक्निक है बट मैंने उतना ध्यान नहीं दिया है उस पर। अब गाड़ी का पेट पूजा हो गया, हमारा पेट पूजा करने की बारी हुआ आ गई है। ढूंढते हैं कुछ खाने के लिए मिलता है तो सही है, ये क्या है बंदे, कोई ना चलो देखते हैं अगर कुछ खाने को मिलता है तो सही है। यहाँ पेट पूजे किए गए, बहुत आगे निकल आया हूँ और अभी यहाँ पे मेरे को एक अच्छा सा एक वड़ा पाव का ये दिखा है मुझे, लेट्स सी कि यहाँ पे हमें खाने के लिए मिलता है नहीं। भूख तो बहुत भयंकर लगी है, बहुत भयंकर भूख लगी। ये कुछ है गाइस खाने के लिए, अभी पोहे और मिर्ची और वड़ा पाव खाएंगे। हमारी सुन परिवार पे खड़ी और निकलते हैं, ये खा के निकलता हूँ ठीक है। वैसे तो मौसम बहुत प्यारा है इसके लिए कुछ नहीं लग रहा है राइड को, बट मुझे थोड़ी सी नींद आ रही थी बट कंट्रोलेबल है। थोड़ा बैठूंगा खाऊंगा तो शायद अच्छा लगे, और दो दो जैकेट पहना हूँ, ठंडी तो बिल्कुल भी नहीं लग रही, बस पैरों को थोड़ा सा खिंची सा ठंडा लग रहा है बट अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। पेट पूजा हो गई है गाइस, निकलते हैं अभी गाइस। एज फार एज मैंने जो करना था वो कर दिया है, मैंने मेरे दोस्तों को कॉल लगा के मतलब कॉल लगाया था, किसी ने उठाया नहीं, एक ने उठाया एजे ने मेरे भाई ने, वो बीमार है तो उसके लिए वो नहीं आ पाएगा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे दोस्तों को मैंने कॉल किया, उन्होंने उठाया नहीं है। बाद में अगर ये हराम ज़्यादे बजे कि नहीं कैसे तूने कॉल कैसे नहीं किया, ये नहीं वो नहीं, दो बार करने का तीन बार करने का मैंने दो बार कर दिया है कॉल, अगर तुम नहीं उठा रहे हो तुम्हारी गलती है दोस्तों, मैं दर्शन लेके निकल जाने वाला हूँ भाई। हम लोग हैं पुणे सिटी में पिठाम बेबी और 13 मिनट कुछ तो दूर है हमारी मंजिल। ये क्या है JCDARND पाशन, पता नहीं मुझे क्या है, कमेंट्स में बताना क्या है। ये रोड से मैं पहली बार आ रहा हूँ, सही है भाई बहुत प्यारा रोड है। ओहो ये ऐसे रोड मेरे को बहुत पसंद आते हैं गाइस, दोनों तरफ से पेड़ों से ढके हुए, आ हा 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 अलग सुकून है इन रोडों में, दोनों तरफ से पेड़ों से ढके हुए रोड है, वाओ ऐसे रोड मुझे बहुत पसंद है गाइस। ये रोड इतना सुंदर है ना, क्या बताऊँ तुमको कितना सुंदर रोड है, ज़बरदस्त रोड है यार ये। यहाँ पे रुक के वो देखो पेट्रोल पंप, क्या क्या बनाया यार ये रोड, कौन सा रोड है मेरे को ज़रा बताना, बहुत टाइम से आ रहा हूँ इस रोड से, इधर कुछ तो भी ब्रिज का भी काम चल रहा है, बहुत प्यारा रोड है ये, कमेंट्स में बताना पुणे कर ये कौन सा रोड है ठीक है। ये रहा शनिवार वाड़ा, हम लोग पहुँच गए लगभग, हाँ जब लगभग पहुँच गए हम लोग, पापा का मंदिर आ गई है
उधर एक पार्किंग है आगे, जितना मुझे पता है, क्योंकि जो लास्ट टाइम मैं आया था तो मुझे पता है कि आगे पार्किंग है एक। क्या लग रहा है गाइस यहाँ पे, ओहो ज़बरदस्त। हाँ यहाँ पे ये पे एन पार्क वाला सीन, यही पे। तो पार्किंग करी है मैंने, अब मैं जा रहा हूँ दर्शन के लिए। बट लाइन है या नहीं ये नहीं मुझे पता, लग तो नहीं रही है लाइन है। देखिए ये क्या सुंदर बना है, भाई टकला छकने के लिए बकलावा है, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो पता चला जिंदगी खत्म है, जिंदगी आ गए भाई फाइनली। भाई चलो भाई लोग दर्शन हो गए, गाड़ी वापस निकलने आया हूँ और अब निकलता हूँ सीधा घर पे। मुझे यहाँ पे अभी कोई रुकने का सीन तो है नहीं, क्योंकि ना भरत मिला पे, एक अच्छा लड़का मिला था अंदर किचन का, अंदर शूट नहीं कर सकते। तो अभी निकलते हैं डायरेक्ट बूट कैंप के लिए। तो भाई लोग दर्शन हो चुका है, ये है शनिवारवाड़ा, और शनिवारवाड़े को एक गोल चक्कर मार के हम लोग हमारे घर के लिए निकल पड़े हैं। ठीक है के जी, चलिए। पुलिस वालों ने रोका था अभी जस्ट, कोई दिक्कत नहीं है, फाइन भी नहीं मारा है। सर जागो, चलो चलो भाई, रुकाया था, फाइन वाइन नहीं मारा है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं है। वो नंबर प्लेट के लिए रुकाया था गाइस, फैंसी है ना नंबर प्लेट, थोड़ी फैंसी है पर ठीक है। और कुछ नहीं, दगड़ू शेट का थोड़ा पापा का प्रसाद खिलाया, छोड़ दिया भाई। ये दिन तो अच्छा है आज, सच बात बोलूँ तो दिन तो बहुत अच्छा है आज, आज की तरह से परेशानी तो नहीं हुई है मुझे बिल्कुल भी, अच्छा है। चलिए गाइस ये है एक्सप्रेस वे, एक्सप्रेस मतलब एक्सप्रेस नहीं बट ये पहला पुराना रोड है, पुराना एक्सप्रेस। मुझे समझ नहीं आ रहा ये एक्सप्रेस किस एंगल से लग ही नहीं रहा, ऐसा लग रहा है गलियों में गाड़ियाँ चला रहा हूँ भाई, इतना भीड़ इतना ट्रैफिक। दो मिनट के लिए फ्री हो जाता हूँ और फिर वापस ट्रैफिक लग जाएगी, देखना अभी तो। ये हो गया मैं दो मिनट के लिए फ्री और अभी आगे वापस ट्रैफिक लग जाएगी। भाई घर जाने दो, हेलो रात को नहीं पहुँचना है मुझे, रात को स्ट्रीम भी करनी है। चलो थोड़ा कम तो हो गया है बट फिर भी ये देखो गाड़ियाँ आगे बढ़ने के लिए मान ही रही रही, स्विफ्ट वाले तो अलग ही और रुबा भी अलग है, गाड़ी गिच बज रही है उनकी। चलो ट्रैफिक कम है थोड़ी, आगे ले लेता हूँ गाड़ी भाई, ट्रैफिक में नहीं अटक के रहना है। गए तो छोटे बच्चे तो गाड़ी से हाथ करके हाय वाय कर रहे, क्या मालूम क्या कर रहे, मुझे कर रहे हैं किसी और को कर रहे हैं मुझे वो भी नहीं पता कि उसके कोई रिलेटिव या कोई बाहर जा रहे बाद से। आहा नज़ारा देखिए गाइस, नज़ारा देखिए समुंदर में नहा के और भी नमकीन हो गई हो। लीनिंग वीनिंग मार लेता लेकिन टायर अगर गीले हो तो सटक के मुंह पे गिर जाएंगे। चलो
अरे ये क्या था वे, पागल है क्या लड़का? मंद मेरी फटी, अरे मेरी सच में फटी गई। ये क्या आ गया बीच में? इसकी भैंस की आंख, पागल टोपी के लिए जान जाएगी इसकी। मंद गाइस नाम लेते लेते लोनावड़ा पहुंच गए, मेरे को तो समझ में भी नहीं आ रहा टाइम कैसे निकल रहा है। बस अभी जस्ट लोनावड़ा पहुंचेंगे बोला और लोनावड़ा पहुंच गए। मालूम तुमको तो कुछ समझता ही नहीं रहेगा बिकॉज डायरेक्ट कट पेस्ट हो रहा है ना, मेरे को तो समझ ही नहीं रहा है कैसे क्या ना मैं गाड़ी भगा रहा हूँ ना मैं कुछ कर रहा हूँ। अच्छा वेदर की वजह से मैं भी हो सकता है ये। गाइस लोनावड़ा में इतना ट्रैफिक मैंने मेरे ज़िंदगी में नहीं देखा है, तो देखा है पहले भी बट इतना पैर ट्रक टिका टिका के पैर टिका टिका के जाना पड़ रहा है, इरिटेट हो रहा है सच में। भाई कितना इरिटेटिंग ये चीज़। एनजी भाई जी शॉर्टकट है, शॉर्टकट है, शॉर्टकट है। सत्यानाश होगा शॉर्टकट था, लेकिन फिर भी जल्दी निकल गए। शॉर्टकट तो है, मैं अभी ये खा रहा हूँ उखड़ा हुआ, क्या बोलते हैं कौन, पेटीएम है ना, पेटीएम है ना, गूगल पे, पेटीएम, गूगल पे, गूगल पे। इतने लोग है भाई संडे को, पूरा ट्रैफिक जाम करके रखा है इन लोग ने। ये देखो ये गाड़ी कैसे लगाई, देखो हरामी भाई, ये बहुत इरिटेटिंग चीज़ है। और ये फोर व्हीलर पार्किंग तो है नहीं, थोड़ा पार्किंग बना दी अगर बन गई ना, मतलब यहाँ पे भाई ऐसे तो स्पॉट टूरिस्ट ही है क्योंकि इतना ज़बरदस्त नज़ारा और किधर भी नहीं मिलेगा, किधर भी नहीं। वो शीश क्या लग रहा है देखो, उधर ज़बरदस्त। आज की राइड सक्सेसफुल हुई, आज का व्लॉग भी सक्सेसफुल हुआ गाइस, अच्छा लगा। मैं डाल रहा हूँ अभी गाड़ी न्यूट्रल पे, क्या नज़ारे यहाँ पे, वाह। ये है सबसे ज़बरदस्त नज़ारे और सबसे ज़बरदस्त मज़े, इससे ज़्यादा क्या मज़े हो सकते हैं भाई लाइफ के। मज़ा आ गया आज राइड में, मज़ा आ गया। अरे इसकी भेंट, ये बुड्ढा मेरे तीन बार बीच में आए, रुको इसकी में की। और ये ऐसे ही जाता है साइड से हर बार, ना हॉर्न देता ना कुछ। एक बुड्ढा है और आंटी बैठी है बाजू में शांति से, कुछ तो भी बुक पढ़ रही है, और ये कट मारता है, रुको इसको बहुत मस्ती है बुड्ढे को, अल्टो वाले को। देखो BMW चला रहा है जैसे, देखो इसकी भी इसकी कमी ना। ये गाइस न्यूट्रल पे, अब वो अपनी मर्जी से जा रही है, पेट्रोल नहीं कुछ नहीं, आराम स्पीड पे कंट्रोल रखना है बस, बाकी का घाट में। एक बैटरी पर हम लोग अब तक आ रहे थे और पूरी एक बैटरी अब जाके ख़त्म हुई है, जब हमने खोपोली, मतलब खोपोली में हम पहुँचे तब जाके एक बैटरी ख़त्म हुई है। मतलब आज हमारे बैटरी ने हमें, एक बैटरी ने बहुत साथ दिया, अब जाके मैंने बैटरी रिप्लेस करी है, बल्कि जबकि घर हमारा नज़दीक आ गया है, बट उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि घर नज़दीक आया। मैं तो जस्ट शूट कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि आई गेस यही पे मैं अपने ब्लॉग की सांगता करना चाहूँगा, एक्चुअली सांगता नहीं करना चाहूँगा, मतलब एंड नहीं करना चाहूँगा, एंड तो मैं घर पे जाके प्रॉपरली करूँगा। लेकिन आज मैंने पापा से एक विश मांगी है कि जो जो इस धरती पर मेहनत कर रहे हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं और किसी का अच्छा होते हुए देखना चाहते हैं और ख़ुद का भी अच्छा करना चाहते हैं, उन सबको हमारा पापा बहुत खुश रखे। बहुत आगे बढ़ो गाइस, मेहनत करो
और बापा सबके साथ है, सबके साथ, हम सबके लिए प्रे किया है गाइस। थक गया हूँ गाइस, थक गया हूँ, अभी कंटिन्यू राइड कर रहा हूँ। आई गेस मैंने कुछ आधा घंटे के लिए मैं उतरा था गाड़ी से, हाँ मैं आधा घंटे के लिए उतरा था गाड़ी से, और आधे घंटे में मैं वापस, आधा घंटा ही रुका मतलब मैं पुणे में, और मैं रिटर्न आ गया। हाँ, और जिन लोग को, जो लोग सिर्फ व्लॉग देखते हैं, मैं उनको बता दूँ कि स्ट्रीम भी करता हूँ मैं, मतलब प्राइमरी स्ट्रीम है, व्लॉग वॉक तो अब भी चालू किया, स्ट्रीम भी करता हूँ। बाकी कभी स्ट्रीम पे चेकआउट कर लेना, मज़ा आता है और वीडियोस भी आते हैं, बहुत सारा फन होता है, स्ट्रीम्स भी चेकआउट कर लेना, ठीक है। लव यू, बूट कैंप में मिलता हूँ जब मैं ये एंड करूँगा व्लॉग, ठीक है, चलो। ओके, सो दैट वॉज इट फॉर द व्लॉग गाइज, और हम आ चुके हैं घर पे, और अभी मैं स्ट्रीम के लिए बैठ रहा हूँ, तो मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में। अगर आपको अपने ये व्लॉग इन्जॉय करा होगा तो, मोटो व्लॉग इन्जॉय करा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। बाकी तो मैंने आपके लिए भी दुआएं मांगी है, आपके लिए भी बहुत सारा प्यार, और थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड सपोर्ट। और 100K ऐसे, 200K, 300K, 1 मिलियन ऐसे पार करेंगे। आई होप आप लोग सारे ऐसे ही साथ रहो, और आई होप क्या, आप लोग साथ में हो ही, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर द लव, मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में या फिर मोटो व्लॉग में। बाय बाय।